दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं IIIT हैदराबाद के जो फर्स्ट मोड ऑफ एडमिशन था UGEE IIIT, तो इस पे हम लोग बताएंगे कि फीस स्ट्रक्चर इस पे कितना होगा, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा और इसका एग्जाम पैटर्न किस तरीके का होता है, इसमें जो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो सारी चीजें हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम निखिल फ्रॉम कैरेक्टिक सर्विसेज। जैसे कि हम लोग आज बात करने वाले हैं IIIT हैदराबाद के फर्स्ट मोड ऑफ एडमिशन के बारे में। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था, इसके सिक्स मोड ऑफ एडमिशन है, उनमें से फर्स्ट मोड ऑफ एडमिशन है जिसपे आज हम लोग डीपली डिस्कस करने वाले हैं UGEE IIIT। तो इसपे हम लोगों को डुअल डिग्री मिलती है, मतलब कि डुअल डिग्री के कुछ कोर्सेज हैं, इसपे हम लोग प्रॉपर बताएंगे कि इसमें कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है। बीटेक प्लस एमएस के हमको इस पर डिग्री मिलती है। सबसे पहले तो इसमें बेटा आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, हमको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका एग्रीगेट परसेंटेज एटलीस्ट आपका 60% होना चाहिए और PCM में भी आपका 60% मेंटेन होना चाहिए। आपको IIIT हैदराबाद के सेपरेटली फॉर्म आता है UGEE IIIT का, इसके ऑफिशियल वेबसाइट है, फरवरी में अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। IIIT हैदराबाद का हम थोड़ा सा एवरेज पैकेज आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पे दो ब्रांचेज हैं, नॉर्मली CS और EC, उसमें कुछ स्पेशलाइजेशन है, इस तरीके से टोटल 5 ब्रांचेज हैं। इसका एवरेज पैकेज बेटा 18 से 20 लाख है, अभी तक का सबसे अच्छी IIIT मानी जाती है IIIT हैदराबाद। इसके बाद अगर आप JEE से इसको मिस कर दे रहे हैं, अगर आप JEE से इसमें अच्छी रैंकिंग नहीं ले पा रहे, JEE के लिए अगर आपको IIIT हैदराबाद चाहिए, आपको 5000 के अंदर रैंक चाहिए होती है, 2400-2500 तो हमको यहाँ पे जाकर मिल पाता है एडमिशन। तो फिलहाल अभी हम लोगों को जैसे ही फॉर्म आए हम लोग का अप्लाई कर देना है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं जो इसमें हम स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो डुअल डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, डुअल डिग्री है कौन कौन सी। सबसे पहले तो इसमें CLD के नाम से है, कंप्यूटर साइंस आपको फोर्थ ईयर तक नॉर्मली पढ़ाई जाएगी। उसके बाद कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स जो इसमें है, जो कि स्पेशलाइजेशन है MS के लिए। इसके बाद इसमें कि 15 सीट हम लोग इसकी देते हैं, मतलब जो हमको 15 सीट UGEE IIIT को दी जाती है। काउंसलिंग इनका सेपरेटली काउंसलिंग होता है, हम लोग इस पे भी आगे वीडियोस बनाएंगे, जब इसका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट आता है, फिर एक काउंसलिंग प्रोसीजर होता है सेपरेट, हम लोग उस पे भी आगे वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अभी इसमें CND के नाम से है जिसमें कि 15 सीट्स हमको मिलती हैं। कंप्यूटर साइंस प्लस कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंस इस पे एडेड है, जिसमें कि हमको BTech प्लस MS की डिग्री मिलती है। इसके बाद जो हमारा लास्ट है CHD, जिसमें कि हमको 10 सीट मिलती है टोटल। तो कंप्यूटर साइंस जो कि हमारा नॉर्मल BTech होता है वो कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, उसके बाद जो MS की डिग्री जो एक साल के अलग से होता है उसमें कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन साइंस, इसमें मतलब कि 5 साल का पूरा प्रोग्राम होता है। CS के ही तीनों स्पेशलाइजेशन ब्रांचेज हैं जिसमें कि हम डुअल डिग्री इसमें पा सकते हैं। डुअल डिग्री जो कोर्स होता है BTech प्लस MS का कोर्स होता है UGEE IIIT के थ्रू पा सकते हैं। लगभग इसमें पहले टोटल जाके 35 सीटें हैं आपके पास, आई थिंक 35 नहीं 40 सीटें सर, तो 15, 30 और 10 40 सीटें हैं आपकी लगभग। तो इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है और इसका फॉर्म की कॉस्ट आई थिंक 2000 के अराउंड होगी, लास्ट ईयर किसी 2000 के अराउंड था। अगर हम बात करें कि एग्जाम इसका हेल्ड कब होता है, तो एग्जाम की हम लास्ट ईयर जो डेट हम बता दें कब हेल्ड हुआ था, 28 अप्रैल को हमारा हुआ था। तो पहले हमारा JEE हो जाता है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, तो हम लोग आराम से प्रिपरेशन करके इस पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसका पैटर्न बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं होता है, JEE से इसका जो लेवल होता है थोड़ा सा कम होता है, तो आप आराम से इसको दे सकते हैं। अगर आपका JEE का चांस मिस हो गया है, आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो उसके बाद आप IIIT हैदराबाद अगर आपने फरवरी में फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आप अप्रैल में इसका एग्जाम दे सकते हैं। फिलहाल अब हम बात करेंगे कि इसमें जो एग्जाम पैटर्न है वो किस पार्ट में डिवाइड होता है, कितने पार्ट में डिवाइड होता है। फिलहाल एग्जाम पैटर्न हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, SUPR जो कि हमारा सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें कि 60 मिनट के एग्जाम होता है, ये एक तरीके का पेपर वन आप कह सकते हो। इस पे एक इन्होंने पूरा प्रॉपर PDF दे रखा है जो कि इसका सिलेबस है, तो हमको वहां से देखना होगा। उसके बाद इन्होंने कुछ मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं इसके पोर्टल पे, तो ऑफिशियल जो वेबसाइट हैदराबाद की उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, तो वहां से आप इसका मॉक टेस्ट वगैरह देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न क्या था। जो सेकेंड पार्ट हमारा रीप के नाम से है, रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि 120 मिनट का होता है, तो इस पे भी सेपरेटली उस पे जाएंगे आप तो आपको PDF मिल जाएगी जिसमें आपको प्रॉपर सिलेबस दिया गया है, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं IIIT हैदराबाद की जो फीस स्ट्रक्चर है, इसमें 1,40,000 पर सेमेस्टर है। अगर आप ईयरली की बात करोगे तो 2,80,000 पर ईयर के हिसाब से हुआ जाके, तो अगर आप 4 साल का सीधा सीधा जोड़ोगे तो लगभग 12 लाख के आसपास आपके एक्सपेंसेस आएगा।
ये आपका तो फीस स्ट्रक्चर जो होगा मतलब ट्यूशन फीस का आएगा, उसके बाद आप 1 लाख पर हॉस्टल का भी लेके चलते हैं तो आप टोटल 15 से 16 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हैं बीटेक में, तो आपका एवरेज पैकेज की अगर आप बात करो तो 18 से 20 लाख है। तो बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छे इसमें मोड ऑफ एडमिशंस भी हैं, आपको बहुत अलग अलग तरीके से इंटीग्रेट भी दिया गया है ताकि आप जेई से अगर नहीं आ पा रहे हैं तो आप UGEE के थ्रू आ सकते हैं। तो इसको फॉर्म सेपरेटली है, जरूर अप्लाई करिएगा, इसमें एवरेज पैकेज बहुत अच्छा है। अगर आप NIR रैंकिंग की बात करोगे तो लास्ट ईयर 2019 की अभी लेटेस्ट बात करिए तो 39 थी, मतलब कि एवरेज पैकेज बहुत अच्छे हैं इसके। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई फॉर्म भरने में इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम आती है काउंसलिंग रिगार्डिंग वो भी अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा स्पेशल चैनल ऑफ मोड ऑफ एडमिशन IIIT हैदराबाद के बारे में हम लोग इस पर वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए बाय।